Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ इस तरह किया देवी अहिल्या ने गंगुआ और धनाजी सरदार का मुंह बंद। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो कैसे बंद किया ये मैं बताता हूँ। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे देकर लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो मित्रों, आपको पता है, आपने देखा कि कैसे जब ये हमला करके पैसे कमाने वाली बात आई थी कि कोष को भरने के लिए, के खजाने को भरने के लिए क्या किया जाए, तो ये लोग वही आइडिया देते हैं घिसा पिटा। तो के निजाम के वहां पे जो बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी जगह पड़ी है, तो वहां पे हमला किया जाए और वहां से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो ऐसा ही पहले होता होगा। तो लेकिन अहिल्या को जब पता चला, अहिल्या इसके बिल्कुल खिलाफ थी और तुकू जी के साथ पहले ही वार्तालाप हो चुका था अहिल्या ने कि ऐसा कब तक करते रहेंगे। एक तो वैसे भी इसके ऊपर भी खर्चा होता है, हथियार खरीदो, लोगों की जाने जाती हैं, और वैसे भी ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी ये कुछ सही कदम नहीं है, सही बात नहीं है। तो ये बात जब बताते हैं दरबार में, तो धना जी तुक्कू जी बताते हैं कि रानी, छोटी रानी अहिल्या का, क्योंकि वो तो आ नहीं पाई थी, गौतमा के शिकंजे में कसी हुई, तो अहिल्या दरबार में नहीं आई थी। तो लेकिन तुक्कू जी ने उनकी बात रखी तो इसका डट के विरोध हुआ। सबसे ज्यादा तो बहुत ही बदतमीजी बेवकूफी से धना जी ने विरोध किया कि ये कहना बहुत आसान होता है, छोटी रानी कह तो देती हैं, कह तो दिया, लेकिन आगे उन्होंने उपाय क्या बताया, तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए बहुत समय होता है। तो ये कहीं ना कहीं गंगूबा ने भी धना जी सरदार के की बात में बात रखी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं फैसला भी हो जाता है। मल्लारा कहते हैं कि चलो फिर मुहिम की तैयारी करते हैं और मैं साथ में जाऊंगा, तुक्कू जी सेनापति होंगे, चलो ये बात तो हो जाते। लेकिन आने वाले प्रमो में बताया जाता है कि भैया के अहिल्या रानी ने खोज निकाला रास्ता कि भाई पैसे, हमला करके पैसे कमाने की बात नहीं है। जैसे कि मल्लार राव होलकर ने भी कहा था कि किसी को तो पेड़ लगाना ही होगा, तो पेड़ लगा लिया अहिल्या भाई ने। तो घरेलू जो काम है, जो हर कोई, हर व्यक्ति, लोगों को रोजगार भी मिले और लोग काम भी करें, तो अभी शुरू होने जा रहा है महेश्वरी साड़ी अध्याय, यानी कि गांव वालों को इससे दो, एक तीर से दो निशाने होंगे। अहिल्या भाई कहीं ना कहीं गांव वालों में वापस वो इज्जत पाने में भी कामयाब होगी, क्योंकि बहुत लोगों को की जब रोजी रोटी का वसीला बनेगा और घर घर में बुनाई का जो काम होगा, कताई बुनाई का काम होगा और घर घर में बनेगी महेश्वरी साड़ियां, तो साड़ी उद्योग की शुरुआत वहां पे करवाती दिखाई देती हैं अहिल्या भाई, और जिससे कि डेफिनेटली अब कहीं किसी को लूटने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जो है धना जी के जो सोच है, धना जी के जो आगे की प्लानिंग है, वो भी उस पे, उसके ऊपर भी पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो क्या कहना है आपका, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स।